जीत दिलाने के लिए संघ परिवार ने भी कमर कस ली है। हर विधानसभा क्षेत्र में बुधवार संघ कार्यकर्ताओं की बनाई गई टोली, यही टोलियां भाजपा की जीत की जमीन तैयार कर रही है। भाजपा के कार्यक्रमों से दूरी बनाते हुए ये टोलियां सभी जातियों से संपर्क करेगी। जातियों में बटे हुए हिंदू समाज को राष्ट्रहित का पाठ पढ़ाने के साथ ही समाज के हर वर्ग और जाति के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ तो बटेंगे तो कटेंगे किनारे का मतलब भी समझा। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रवि हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रवि, जहां एक तरफ लोकसभा चुनाव में आरएसएस की दूरी देखने को मिली थी जानकारों का ऐसा कहना, तो वहीं उपचुनाव में काफी ज्यादा तैयारी आरएसएस की तरफ से देखने को मिल रही है, क्या जानकारी इसे लेकर? देखिए, 9 सीटों पर जो उपचुनाव हो रहा है उत्तर प्रदेश की विधानसभा सीटों को लेकर, इस पर अब वोटिंग हो रही है, तो निश्चित तौर पर उसको लेकर जहां बीजेपी की तैयारी है, सरकार ने भी तैयारी की है, तो वहीं आपको बता दें कि संघ परिवार भी इसको लेकर पूरी तरीके से तैयार हो चुका है और किस तरीके से लोगों के बीच जाना है, किस तरीके से लोगों में विश्वास जगाना है कि बीजेपी ने जिस तरीके से बीजेपी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में अकेली सरकार जिस तरीके से बेहतर उत्तर प्रदेश के लिए बेहतरी के लिए कदम बढ़ाए हैं, कई सारे काम किए हैं, उसको लेकर विश्वास जगाने की कोशिश की जाएगी। सभी जातियों के लोगों के बीच में जाया जाएगा, उसको लेकर लोगों को जोड़ने का काम है वो किया जाएगा, ताकि 9 सीटों पर जो बीजेपी और एक आरएलडी की सीट है उस पर जीत हासिल की जा सके। और निश्चित तौर पर संघ परिवार की तरफ से बड़ी जिम्मेदारी निर्वहन किया जाना है, जिसको लेकर आपको बता दें कि 9 पे 9 सीटों पर जीत हासिल हो, इसको लेकर अब संघ परिवार है वो पूरी तौर पे तैयार है। और हर विधानसभा क्षेत्र में बूथवार संघ की अगर बात करें, संघ के जो कार्यकर्ता हैं वो बूथवार जगहों पर जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, और जहां भाजपा के जो टोलियां हैं जीत के लिए जमीन तैयार की है वहां लोगों के बीच जाएंगे, लोगों में विश्वास जगाने की कोशिश करेंगे, और भाजपा के जो कार्यक्रम है उससे दूरी बनाते हुए टोलियां अलग अलग सभी जातियों के बीच जाएगी। जातियों में जो बटे हिंदू जातियों में बटे हिंदू समाज को राष्ट्रहित का पाठ पढ़ाने के साथ ही समाज के हर वर्ग और हर जाति के लोगों के बीच जाके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कटेंगे तो बटेंगे के नारे का मतलब भी समझाने का काम है वो करेंगे। तो निश्चित तौर में 9 सीटों पर जो चुनाव होना है विधानसभा की, उन 9 की 9 सीटों पर जीत हासिल हो इसके लिए अब संघ परिवार है वो अलग अलग तरीके से लोगों के बीच जाएगा, सभी जातियों के लोगों के बीच जाएगा। और तो इस बीच रवि क्या समझा जा सकता है कि आरएसएस प्रमुख की भी यहाँ पर मौजूदगी देखने को मिल सकती है प्रचार प्रसार के दौरान? देखिए, अभी जो जानकारी मिली है कि विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा की सभी 9 सीटों पर जीत दर्ज हो इसके लिए संघ परिवार पूरी तैयारी कर रहा है, और इसी को लेकर विधानसभा क्षेत्र में संघ कार्यकर्ताओं की जो तैयारी है वो की गई है, टोलियां बनाई गई है, और टोलियां है भाजपा की जीत के लिए जमीन तैयार कर रहा है, और इसी को लेकर ये पूरा कार्यक्रम तय किया गया है ताकि सभी लोगों के बीच में जाकर। रवि, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? रवि, आपको आवाज मिल पा रही है? रवि, मेरा सवाल ये कि क्या यहाँ पर संघ प्रमुख का भी मौजूदगी जो है उनकी भी देखने को मिल सकती है? क्या मोहन भागवत भी प्रचार के दौरान नजर आ सकते हैं? इस तरह की कोई सुगबुगाहट, कोई खबर? देखिए, अभी ऐसी कोई भी जानकारी सामने नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि एक क्योंकि हाल ही में भी जिस तरीके से संघ प्रमुख के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच मुलाकात हुई थी, तो उस दौरान जरूर कुछ ना कुछ चर्चाएं जरूर रही होंगी, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी की अपनी तैयारी सरकार, चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें, दोनों सीएम की बात करें, या उसके अलावा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी की बात, मंत्रियों की जिम्मेदारी दी गई, वही संघ के लोग भी लोगों के बीच जाएंगे ताकि ये पूरी 9 सीटें हैं वो बीजेपी के खाते में हो, इसको पूरी तौर पर तैयार करने का काम करेंगे, लोगों को विश्वास जगाने की कोशिश करेंगे ताकि 9 की 9 सीटें बीजेपी के खाते में रहें। जी, चलिए, आपका बहुत शुक्रिया रवि, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं।